शासक दशापुर साहेब पक्ष के जयपुर उली मुद्दे सचिव श्रीमत मंगल दशापुर कांग्रेस पक्ष के कांग्रेस सरकार राज्य बंद रैतिंग आगे चांसेस अदेलिए दयहे चंद्रपुर दजनापुर कई हाथ नाक नंबर चिन्ह तेलू तपदे मतदान तमेल कड़कड़ी विनती ना कार्यक्रम आयोजित अतमुखर अभिनंदन या तुम्बा गोगी के भाग पक्ष सल तुम्बा दुड़ी अद्कू ना मुझे बर दिन साहब सचिव स्थानो आ सचिव स्थान सिखे मत शाप डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट आगे अंत ना भावे जिंदगी कोदारी मतलब बैपास् मतलब गोगी गवर्नमेंट हास्पिटल इवेला अभिवृद्धि कामगारी आता इन आगे नम साम मिनिस्टर अंद्रे इन अनेक कल आगे मत उद कांग्रेस एला मुखंड अभिनंद धन्यवाद सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये जितने हमारे चाहने वाले और दशापुर अगर के चाहने वाले यहाँ पे हम सब इस दूसरे को चाहने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, हम एक दूसरे को चाहने वाले हैं और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। इन लोगों मुझे मेरे एक मैसेज के ऊपर लोग मेरा साथ देकर मेरे को हौसला दिए और मेरे को जो है ना हिम्मत का काम करने का काम करे। और मैं दशापुर पटेल से कभी दूर नहीं था। मेरे जो बात की मेरे जो चीज रखना था उनके सामने उनके दिल तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। मैं कभी दशापुर के पटेल साहब के साथ में 5 साल काम कर रहा हूं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं पटेल साहब का हाथ मैं मजबूती के साथ पकड़ता हूं। और मैं और दशापुर पटेल साहब के सामने भी बताना चाहता हूँ, मैं दशापुर पटेल के साथ में कई घंटे बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी कार्यकर्ता के खिलाफ एक बात नहीं करा। कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता के खिलाफ में फला कार्यकर्ता अच्छा नहीं है फला कार्यकर्ता बुरा है बोलो मैं नहीं बोलता। मैं हमेशा कई घंटे में बात कर रहा हूँ, किसी को पता है नहीं पता है। मैं दुर्वर्ग में पटेल के साथ में कई बार मैं बात करा तो मैं हालात 6 महीने पहले बोले पटेल साहब को हमारे हालात बहुत मजबूत है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है बोलते बोले मैं 6 महीने पहले। क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पूरे बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं तो बोले मैं पटेल साहब को बोले 6 महीने पहले गुलबर्गे में। मैं किसी कार्यकर्ता को छोटा बना के मैं बड़ा बनने वाला नहीं। मेरे अच्छे अखलाक से मेरे अच्छे काम से मेरे लीडर के अंदर दिल में जगह होना है, उनकी जेब में नहीं। मैं उनके दिल में जगह चाहता हूँ, मुझे लौटने की जरूरत नहीं। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ हम सब मिलकर जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के मैं ये समझता हूँ और ये बताना जरूरी समझता हूँ पटेल साहब को, मैं बिरादर सज्जादागार है तो मैं एक तरफ हूँ। मैं पार्टी के लिए एक आम आदमी का नौकर बन के काम करना चाहता हूँ। मेरे पास बड़ापन नहीं है पार्टी में, सियासत में अगर काम करना है तो हम हमारे चीजें हमें अपने घर में रख के सियासत के अंदर आम आदमी का नौकर बनके मैं काम करके बता दूं पटेल साहब। मेरे जज्बात
ये सियासत के अंदर हम जो है ना अपनी ताकत बताने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे अखलाक से, हमारे काम से, हमारा लीडर को फकर से लाते हैं बैठे हुए। अरे तो भाई हर काम के लोग हमें धोखा दे देता होता, तुम्हारे दृष्टि में चूंता था मतलब ये है लीडर लीडर अगर यहाँ बैठ के बात कर रहा है तो हमें फकर से मजबूर करना, धोखा देने का काम मुसलमान सब जानते हैं। सबको बोल रहा हूँ मैं, पूरे दादा साहब को मुसलमान को बोल रहा हूँ, मैं कोई डरा करने का पैसा की बात नहीं है। तुम्हारा भारत कभी डोली थी मैं ढोलो हमें नहीं बोल रही, तुम्हारा भारत तुम्हें कान लेके वापस करो, वो हम भले ही तुम्हें हमको बुलाओ लेकिन हमारे मुसलमानों को नहीं फायदा नहीं बोला तुमने कहीं क्यों बोले, तो ये धोखे का काम है। आदमी लीडर बनने के लिए अपने अच्छे काम से पहचाना जाता, उनके पास बहुत अच्छा था जनता प्रबंधन के पास, उनको मिनिस्ट्री कितने एमएलए नहीं बिके पूरा नहीं बिके, बोले मेरे तालुक के लोग का मैं खुद सोच अपना इंडिपेंडेंट हेड में नहीं आया, कांग्रेस पक्ष का निशान से आयो, मेरी सूरत नहीं रहती वहां जाने शाहपुर को, मैं नहीं होना मिले तुम्हारे करोड़े भी नहीं होना, मैं तुम्हारे जो है ना मिनिस्ट्री भी नहीं होना बोले। आज मैं गारंटी से बोलती हूँ सरजमीन है, मैं दुआ के साथ में कि मेरे लोगों का साथ होना, हर हिंदू मुसलमान दलित भाई जितने भी हैं मैं सबका रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये पकड़ो ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरे दामन के अंदर ये वोटों से भरत हो रही है, ये दामन के अंदर ये दामन में कसम से बोल रहा हूँ, मैं कसम के लोगों को बोल रहा हूँ, मैं मेरे अपने लोगों को बोल रहा हूँ, ये दामन मत खाली करो, ये दामन के अंदर दस्तावेज को जितना को हमें भी भेजी है, इसलिए हम सारे को टाइम कम है, फिर इंशाल्लाह और कोई जगह से बोल ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗಲದ ನೋಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನ ತುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮನೆ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆಗೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಡವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 56% ಏರಿಸಿದ 50-56 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊಂದು 60% ಇನ್ನೊಂದು 4% ಸೀರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 75% ವರೆಗೆ ನಾವು ಏರಿಸುವಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕಲಿತು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಅಚಾನಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಿತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಶಾಪುರ್ ಬರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬ ಸಾಥ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಮರ ಆತಾಯ ಅಮರ ಲೋಕ್ಯ ವಾಸ್ತೆ ತುಂಬ ಮಿಲ್ಕರ್ ಬಡೇ ಬಡೇ ಕಾಮ್ ಕರಿಗೆ ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.